मिड जून में शुरू हुआ था इंडिया और चाइना के बीच स्टैंड ऑफ। इंडिया की डोकलाम पठार पर, डोकलाम जो कि इंडिया में है और चीन में डोगलंग के नाम से जाना, एक पठार के माध्यम से चाइना का सीमा सड़क का विस्तार करने का इंडिया ने विरोध किया। पठार जो उत्तर पूर्व भारतीय राज्य सिक्किम और भूटान के बीच में है, वर्तमान में बीजिंग और भूटान के बीच विवादित है। भारत इसके बारे में भूटान के दावे का समर्थन करता है। भारत चिंतित है कि यदि सड़क पूरी हुई तो यह चीन को भारत की रणनीतिक रूप से कमजोर चिकन स्नेक तक पहुंचने देगा, जो कि 20 किलोमीटर डिस्टेंस पर है। और यह रोड 7 उत्तर पूर्वी राज्यों को भारतीय मुख्य भूमि से जोड़ता है, जो कि भारत को मंजूर नहीं है। जिस तरह से यह स्टैंड अप बढ़ते दिख रहा है, इसके भयावह परिणाम का जिक्र किया जा रहा है। चाइना के ग्लोबल टाइम्स न्यूज़पेपर स्टैंड अप को लेकर 1962 के युद्ध में अपनी हार का भारत को याद दिलाना शुरू कर दिया है। चीन को करारा जवाब देते हुए डिफेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने कहा है कि इंडिया अब 1962 के इंडिया नहीं रहा है। चीन ने सिक्किम में भारत चीन भूटान सीमा की क्षेत्रीय जंक्शन की स्टेटस क्यो को बदलने का प्रयास किया है, जिसमें दिल्ली और बीजिंग के बीच विश्वास को प्रभावित किया जा रहा है। और चीनी सरकार को यह जानकारी दी है कि ऐसा निर्माण भारत के लिए गंभीर सुरक्षा प्रभावों के साथ यथास्थिति के महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतिनिधित्व करेगा। एक सरकारी बयान के मुताबिक चीन पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि यह भूटान की भूमि है, भारतीय सीमा के करीब है और भूटान और भारत में सुरक्षा प्रदान करने का व्यवस्था है। लियो योफाचिनी के पूर्व कंसुल जनरल और अब सामरिक अफेयर्स के विशेषज्ञ भारत को देता है 3 विकल्प। 1, वापस चले जाओ। 2, चीनी सैनिक बल के हाथ कब्जा। 3, अगर सीमा विवाद बढ़ता है तो चीनी सैनिक बल के हाथ मारे जाओ। योफा ने यह भी धमकी दी है, जब तक भारत एक तरफा रूप से वापस लेने का शर्त पूरी नहीं करता, तब तक डिप्लोमेटिक समाधान के लिए कोई जगह नहीं है। जब वर्दी में लोग सीमा पार हो जाते हैं और किसी अन्य देश के क्षेत्र में जाते हैं तो वह स्वाभाविक रूप से दुश्मन बन जाते हैं, जिन्हें यह 3 परिणामों का सामना करना पड़ता है। इसका मतलब ये हुई कि चाइना यह विवादित क्षेत्र को अपना क्षेत्र मान। राज्यसभा में फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर सुषमा स्वराज का कहना है, भारत चीन के खिलाफ अपना बचाव करने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित है। इसी बीच दोनों देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर 27 जुलाई को चाइना में मिल रहे हैं। भाइयों और बहनों, अगर मेरे ये चैनल आपको अच्छा लगा, कर दीजिए इसको सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।